हेलो गाइस, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, गूगल का नाम तो आपने सुना, इतनी बड़ी कंपनी है यार, लेकिन अब गूगल ने कुछ ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है। पिछले महीने गूगल ने एक चेतावनी देते हुए कहा था कि जितने भी प्ले स्टोर पर गोल्ड रिकॉर्डिंग से रिलेटिव ऐप है, उन सभी को डिलीट कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। तो गूगल ने ये अनाउंस करते हुए कहा कि अब किसी प्रकार की कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि API एक्सेस जो होता है, जो कि मतलब ये डाटा मतलब चोरी होने का डर रहता ही है यार। तो मतलब जब भी आप कोई ऐप से कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, दोनों तरफ से सुनाई देता है कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है। इस कारण ये कहा है कि जो मतलब कस्टमर है या आप जो भी लोग हैं वो कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, उनकी प्राइवेसी को खतरा है। इस कारण गूगल ने इन रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया है। और साथ में ट्रू कॉलर ने भी कहा है कि जो उनकी ऐप है, कॉल रिकॉर्डिंग होती है ऐप के अंदर, वो भी वो फीचर हटा देंगे अगले अपडेट में। और अपडेट आते ही आपको किसी प्रकार की कॉल रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों, जो इनबिल्ट मोबाइलों में कॉल रिकॉर्डिंग इनबिल्ट है, उन मोबाइल में किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो मोबाइल जैसे MI वाले मोबाइल होते हैं, उसमें कॉल रिकॉर्डिंग उनके मोबाइल में ही दी होती है, तो उन पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो और जो लोग हैं, जैसे वीवो वाले फ़ोन, रियलमी वाले ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उनके अंदर अब कॉल रिकॉर्डिंग किसी प्रकार की नहीं होगी। गूगल ने बैन कर दिया है बिल्कुल अपने प्ले स्टोर से सभी प्रकार की कॉल रिकॉर्डिंग ऐप को डिलीट करवा दिया है, और अब ये आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आपके फ़ोन के अंदर ये फीचर है कि कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो, लेकिन आप कोई भी अलग ऐप डाउनलोड करके कॉल रिकॉर्डिंग अब नहीं कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है वैसे यार, जो मतलब कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो दूसरे का डाटा चुराने के लिए फिराक में रहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी बात है कि वो आप लोगों का डाटा नहीं चुरा सकते। जो कॉलिंग में बात, रिकॉर्डिंग में बात हो जाती है, मतलब रिकॉर्डिंग हो जाती है, किसी बात चली जाती है, मुश्किल हो जाती है यार। तो गूगल ने ये देखते हुए अब किसी पर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, सिर्फ उन मोबाइलों में होगी जिनके अंदर ये फीचर दिया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।